हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमारे पास आ चुका है ये मोटा सा पार्सल और खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकला है और आपके सामने पेश करते हैं एक नई कॉमिक्स। तो बिना समय वेस्ट के दोस्तों फटाफट से आ जाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे और देखते हैं कैसी आई है इस बार की नई कॉमिक्स। हैवी पार्सल, मजबूत पैकेजिंग, हाथ कटने का खतरा कोई बात नहीं, फटाफट सबको बाहर निकालते हैं। तो गत्ते वाले सेलर हमारे राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से पार्सल काफ़ी सेफली आ चुका है, स्पीड पोस्ट के भयंकर झटके झेलता हुआ आपके और हमारे सामने है ये नया पार्सल बिल्कुल सेफ एंड साउंड कंडीशन में। तो दोस्तों, बबल रैप को हटने के साथ साथ हमारे कंटेंट अंदर दिखने लगे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं एक है डोगा का ये सेट जिसमें डोगा की 8 कॉमिक्स हैं हमारे पास। तो इस सेट को तो रख देते हैं अभी साइड में। और उसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिल रही है डोगा उत्पत्ति और यहाँ आपके सामने है ब्लैक एंड वाइट सा ये डोगा। तो बिना समय वेस्ट के दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं डोगा उत्पत्ति के स्पेशल कलेक्टर एडिशन की। काफ़ी अच्छे से रैप्ड है, जिप पाउच में अच्छे से इसको रैप करके दिया गया है। ढेर सारे नवल्टी आइटम्स हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं और उसके अलावा एक एक कवर पेज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब हमारे पास बालचरित सीरीज आई थी तो हम सभी हैरान हुए थे क्योंकि वो ब्लैक्ड फॉर्मेट में थी और ये वाला जो आया है ये भी बिल्कुल, क्योंकि उत्पत्ति है डोगा का शुरुआत दिखाई गई है तो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट सा फॉर्म लिया गया है। एक चीज़ जो इसमें मुझे मिसिंग दिख रही है वो है श्रिंक रैप, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी चोट आई है, उसको श्रिंक रैप बचा भी नहीं पाता, ये तो पोस्टेज वाली चोट है। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक एंड वाइट में यह है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्लिप केस की। डोगा की यहाँ पे ओरिजिनल वाली आर्ट है जो पेंटेड फॉर्म में बनाई गई थी, उसको बहुत बढ़िया यूवी प्रिंटिंग के साथ में हमारे सामने लेकर आया गया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया गया, कलर्स तो इसमें यूज़ किए ही नहीं गए, ब्लैक एंड वाइट होगा और उसके ऊपर स्पॉट यूवी का बढ़िया सा इस्तेमाल, और जिसमें सिर्फ आउटलाइंस को स्पॉट यूवी करते हुए और डोगा उत्पत्ति के इस पार्ट को स्पॉट यूवी में लाते हुए हमारे सामने इस कवर को बनाया गया है साइड में। और इस साइड में आप देखें तो डोगा का बड़ा फेमस सा ये वाला स्टाइल है, कीचेन पीस वाले स्टाइल में आए थे, शायद आप में से कई लोगों के पास होंगे भी, और यहाँ पे भी स्पॉट यूवी का इस्तेमाल है। बैक साइड में भी दोस्तों डोगा का ये जो शुरुआती कॉमिक्स आए थे, ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, उन्हीं कवर को इस्तेमाल किया गया है ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में। डोगा उत्पत्ति संग्राहक संस्करण डोगा को दिया गया है आउटलाइन स्पॉट यूवी में। तो दोस्तों कलर्स की उम्मीद इसमें आप ना करें, एक विंटेज लुक देने का ट्राई करते हुए इसको ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में ये संग्राहक संस्करण हमको मिला है। यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरर डिटेल्स दी गई हैं, उस पर भी स्पॉट यूवी है और नीचे यहाँ दिया गया है कौन कौन सी कॉमिक्स इसमें दर्शाई गई हैं। तो इसमें दोस्तों आपको देख रहे हैं काफ़ी सारी कॉमिक्स हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो इसमें टोटल 13 कॉमिक्स हमको देखने को मिली हैं और दोस्तों 13 कॉमिक्स इसमें आने वाली हैं, 13 कॉमिक्स आने वाली हैं अमर प्रेम सीरीज़ के स्पेशल कलेक्टर एडिशन में। तो उम्मीद कर सकते हैं वो 13 भी एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन के बिग साइज़ में इसी तरीके से समा पाएंगी। तो ये तो हुई दोस्तों बात हमारे स्पेशल कलेक्टर एडिशन के स्लिप केस की। प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस इसका लिखा हुआ तो 1999 है, बट डिस्काउंटेड रेट्स के बाद ये एक अच्छे खासे रेट पे आपके पास आ गया था, क्योंकि प्राइस जो इसका 2000 रुपये लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, और जितने प्राइस पर ये आया है वो प्राइस भी कहीं ना कहीं इस कॉमिक्स के हिसाब से मुझको थोड़ा सा ज़्यादा तो दोस्तों लगता है। तो आपकी क्या राय है इसके प्राइसिंग को लेके वो मुझे बताइएगा। प्राइस की डिटेल्स विद डिस्काउंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, उसको देखिए और अपने विचार रखिए कमेंट सेक्शन में कि क्या इस प्राइस पर भी ये कलेक्टर एडिशन जो हमारे पास आया है क्या ये सही है या इसके प्राइस थोड़े से कम होने चाहिए थे। दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो भी पूरा देखना पड़ेगा, तो अंत तक बने रहिए। अब मैं जरा इसको बाहर निकालता हूं, इतने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहां आपको देखने को मिलेगी कलरफुल आर्ट और आपको यह दिख रहा है सूरज अपने जिम खाने में अच्छे से बढ़िया करके वर्जिश करते हुए। तो दोस्तों बैक साइड की पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कॉमिक्स की डिटेल्स दी गई हैं और उसके अलावा सूरज की एक बहुत बढ़िया सी आर्ट बनाई गई है ललित जी के द्वारा, जिसमें बहुत सुंदर कलर और उसके साथ साथ उतनी ही खूबसूरती से स्पॉट यूवी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये आर्ट की अगर बात करें, बैक पेज की बात करें, तो यस ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, डोगा फैंस को अच्छा भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन भी बनाए गए हैं वो डोगा की यूनिफॉर्म से मिलते जुलते ही बनाए गए हैं। यहाँ पे पर्पल है, येलो, रेड, ये सारे कॉम्बिनेशन डोगा की ड्रेस को भी दर्शाते हैं, उसके साथ
थोड़ा सा जिम इक्विपमेंट्स और जो डोगा की ताकत है, सूरज की पावर है, उसको भी दिखाते हैं। साइड में हम बात करें तो वही कलर थीम लेकर चले हैं और डोगा उत्पत्ति यहाँ पे आपको स्पॉटी व्यू में देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की हम बात करें तो यहाँ पे डोगा की ये सुंदर सी आर्ट आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल पुराने स्टाइल में। और पीछे खड़ी है डोगा की कुत्ता फौज, वो बादल के दो ही हैं लेकिन कुत्ता फौज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई का जो स्लम एरिया, जिस तरीके से डोगा को दिखाया जाता है वही सारी चीज़ें इसमें है। मैं आपको क्लोजली इसको दिखा दूँ दोस्तों। और स्पॉट यूवी में डोगा को लिया गया है, डोगा उत्पत्ति को लिया गया है और जो भी लोगोज हैं उनको लिया गया है। उसके पीछे वाले पार्ट को मैट लेमिनेशन में किया गया है, लेकिन दोस्तों इस पूरी आर्ट की मैं बात करूँ तो ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही है। यानी कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन का, इस कलेक्टर एडिशन का जो ऊपरी लुक है वो वाकई में इंप्रेसिव फॉर्म में बनाया गया है। यहाँ पे हमने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में देखा पुरानी आर्ट को और यहाँ पे पुराने फॉर्मेट में बनी हुई इस नई आर्ट को भी हमने देखा। तो अभी तक सब कुछ सही जा रहा है इस कलेक्टर एडिशन के साथ में। अब मैं इसको ओपन करके देखना चाहूंगा कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से इस कलेक्टर एडिशन में किस कलर के पेजेस हमको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे येलो पेजेस से आपको मुक्ति मिली है और उसके साथ साथ जो पर्पल कलर है डोगा का वो तो दिखा है, लेकिन उसको ब्लैंक ना देते हुए प्रिंट किया गया है। यहाँ पे ये खड़ा है डाकू हलकान सिंह और ये है सूरज जो कचरे के ढेर से हलकान सिंह के द्वारा उठाया जाने वाला है। और यहाँ पे इसका डायलॉग भी दिया है कि ये कचरे का डिब्बा मुझे सही में बचा सकता है। तो दोस्तों ओपन करने के साथ ही ये पहला सरप्राइज मिला जो कि काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि दोस्तों आजकल सरप्राइजेस कुछ ज़्यादा ही मिल जाते हैं, कभी बुरा भी मिल जाता है, बट दिस सरप्राइज इज़ रियली रियली गुड। आपको कैसा लगा ये सरप्राइज और आगे कॉमिक्स में क्या आप इसको देखना चाहेंगे या नहीं बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों एक साइड से ये वाइट रखा गया है या छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल लेयरिंग है जो कि इसकी बाइंडिंग के लिए खतरनाक है, क्योंकि बाइंडिंग जो है दोस्तों इसी जगह से टूटती है। और जैसा आप देख रहे हैं गम तो छूट ही चुका है, गम कभी नहीं रहता। आप नया पुराना कोई भी कलेक्टर एडिशन देख लें, मेरा अगला वीडियो आने ही वाला है जिसमें इसी कलेक्टर एडिशन को पैसे खर्चने के बाद जिसको आपने खरीदा है उसको कैसे सेफ रखना है, क्योंकि ये बाइंडिंग जो है अंदर वाला वो नहीं टिकेगा। आप इसके फटने का वेट कर नहीं सकते, क्योंकि फटने के बाद अगर चिपकाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस चीज़ को हम देखते हैं। बाइंडिंग दोस्तों एज इट इज़ चिरपरिचित अंदाज में वही है। कॉमिक्स इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से चिपके हुए हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये पीछे वाले गत्ते को प्रॉपर नहीं चिपका। मुझे किसी ने बताया भी था पिछली बार कि इसको जानबूझ के ओपन छोड़ा जाता है, बट दोस्त ऐसा नहीं है। मैं आपको और कलेक्टर एडिशन भी दिखाऊंगा जिसमें ये प्रॉपर चिपका रहता है, एंड देन कलेक्टर एडिशन वर्क्स लाइक दिस। सो अगर ये ओपन है दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्लू है वो छुट गई है, जैसा राजनगर रक्षक सीरीज में काफ़ी ज़्यादा देखा था। तो यहाँ दोस्तों उस ग्लू के अलावा फिलहाल ये चीज़ चिपकी हुई है, स्ट्रांगली बाइंडेड है और ऐसा नहीं है कि ओपन करते ही चटक जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों डोगा उत्पत्ति श्रृंखला, डोगा का एंट्री वाला पोज और इसमें आर्ट पेपर यूज़ हुआ है तो लाइट का आप देख ही सकते हैं रिफ्लेक्शन कितना अच्छा करके पड़ रहा है। यहाँ पे ये आ जाता है दोस्तों क्रेडिट्स पेज में सूरज को दिखाया गया है ढेर सारे वेट उठाते हुए और यहाँ पे जो रचनाकार दल है सभी के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, मूल रचनाकार दल और संग्राहक संस्करण के रचनाकार दल का नाम यहाँ पे लिया गया है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डिस्क्लेमर पेज और कर्फ्यू से कॉमिक्स हो जाती है शुरू। तो यहाँ पे आपने देखा डोगा का बेहतरीन सा पोज ये है, यहाँ से कॉमिक्स शुरू हो जाती है जहाँ से पहली बार हम सभी फैंस को डोगा देखने को मिला था। तो यहाँ पे कवर पेज नहीं लिया गया है। अब देखते हैं क्या मिड में भी एड्स लिए गए हैं या एड्स नहीं लिए गए दोस्तों। तो इस कॉमिक्स में भी दोस्तों बीच में एड्स नहीं है, यानी कि पहली कहानी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से तुरंत दूसरी शुरू हो जाती है। ना कोई एड बीच में, ना किसी तरीके का कवर पेज, ना कोई आर्ट, कोई भी चीज़ बीच में नहीं ली गई। बीच के सेंटर वाले एड को भी हटा दिया गया है, यानी यहाँ आपको मिलेगी दोस्तों नॉन स्टॉप स्टोरी। पहली कॉमिक्स कर्फ्यू आ जाती है, उसके बाद ये है डोगा मैं हूँ डोगा, लेकिन फिर उसके बाद ये वाला पेज आता है। यहाँ पे एक ऐड आता है मैं हूँ डोगा का, क्योंकि ये इसके पीछे का पार्ट है, यानी कि कॉमिक्स जैसे इस तरीके से यहाँ लास्ट पेज पे खत्म हुई थी, यहाँ ये लास्ट पे खत्म नहीं हुई है, इसलिए ये एक ऐड आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद मैं हूँ डोगा शुरू हो जाती है, फिर सेम भाई आपको एक सिंगल ऐड नहीं, यहाँ पे ये मिस कर गए, यहाँ पे एक ऐड का पेज उन्होंने ऐड कर दिया जो कि एक गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जब सारा हट रहा है तो ये भी क्यों है, यहाँ पे इसकी नीड भी नहीं है। इस वाले में समझ आ गया था हमको मैं हूँ ये है डोगा के पार्ट में, क्योंकि लास्ट में एंड हुई है तो एक आ जाता है, बट यहाँ पे एक एडिशनल ऐड आ गया है। तो हो सकता है अगली बार तक सीख जाएँ। और दोस्तों उसके बाद जो अगली कॉमिक्स आती है वो यहाँ समाप्त होती है। तंत्रा का ऐड आना जायज था, लेकिन चोर सिपाही का ऐड ये चोर सिपाही की कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों। एक ऐड यहाँ पे आ गया, गलती है इस वाले पेज पे, सॉरी मैंने जरा इसको थोड़ा रैपिडली देख लिया था।
और ये आता है दोस्तों हमारा बुकमार्क, जिसको आजकल एक स्पेशल नवल्टी बता के आपको नागाने के साथ में दिया जा रहा है। तो अब से दोस्तों बुकमार्क को भी एक नवल्टी वाली इज्जत देना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये कॉमिक्स है, कॉमिक्स की क्वालिटी की मैं बात करूँ, पेपर क्वालिटी की मैं बात करूँ, तो पेपर इसमें दोस्तों आर्ट पेपर यूज़ किया गया है। इसमें सेम वही पेजेस हैं जो आपको देखने को मिले थे जब इसके पेपर बैग्स आए थे। तो यहाँ पर आर्ट पेपर है, यहाँ पर थोड़ा सा मैट पेपर भी यूज़ किया गया है, यानी कि दो पेजेस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं कॉमिक वाइज, बट स्टिल यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो ग्लॉसी प्रिंटिंग है। तो सेम वही चीज़ है जिस तरीके से 13 कॉमिक्स का पेपर बैग आपके पास आए थे, उसी क्वालिटी में ये सारे पेपर्स यहाँ पे हैं। पेपर थिकनेस अच्छी है और क्योंकि ये जो बाइंडिंग है यहाँ से प्रॉपरली स्टिक है, हर तरीके से ठीक है, तो इसको आप सेंटर से किसी भी फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। यानी कि पेपर बैग नहीं थे और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो सिर्फ करेक्टर एडिशन ही चाहिए, तो इसको लेके भी आप इजीली रीड कर सकते हैं। देखिए मैं तेज़ी से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, भगवान ना करे टूट जाए, और ऐसा नहीं भी हो रहा है। तो एक बेसिक सा टेस्ट है, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कोई कॉमिक फैन इसको ज़्यादा पढ़ेगा तोड़ेगा, मतलब पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कॉमिक से प्यार करते हैं तो इतनी बेरहमी से शायद आप इसको नहीं पलटेंगे जितना मैं पलट रहा हूँ। स्टिल झेल जा रहा है, दैट मीन्स कि ये बाइंडिंग आपका टिक जाएगा। तो यहाँ लास्ट कॉमिक्स आती है, लास्ट कॉमिक्स के एड्स इसमें से नहीं हटाए गए और यहाँ पे इसमें सेंटर वाले एड्स यहाँ पे आपके सामने बने हुए हैं। तो यानी कि एड्स हटाने की कोशिश तो की गई लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, इसलिए वो एड्स यहाँ पर आपके बने रह जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉमिक्स आपकी यहाँ पे हो जाती है फिनिश, आ जाते हैं लास्ट पेज पे जहाँ आपको देखने को मिल रहा है मैंने मारा ध्रुवको का एड और नागराज और पापराज का एड। वाकई में इन एड्स की ज़रूरत नहीं थी, कोशिश अच्छी है, इस कोशिश पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पर एड्स और कहीं पर बिना एड्स वाला किस्सा ना रह जाए। स्वर्ण पृष्ठ 10 इसमें आपको देखने को मिलेगा। कॉमिक्स की संख्या की मैं बात करूँ तो संख्या 5 है, यानी कि 13 आगे तक के हमारे पास आ चुके हैं, 20 तक के भी, और ये 20 की मिसिंग कॉपी हमारे सामने भी अब आ चुकी है। स्वर्ण पृष्ठ 10 को अगर मैं ओपन करता हूं दोस्तों, प्रॉपर आर्ट पेपर पे लिखा गया है, काफी काफी काफ़ी सारा इसमें संजय गुप्ता जी ने लिखा है। इसको देख के समझ में आता है संजय गुप्ता जी का डोगा प्रेम भी कितना है और किस तरीके से उन्होंने इस पर ध्यान भी दिया होगा। तो सारा कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी काफ़ी सारे पेजेस इसमें संजय गुप्ता जी द्वारा लिखे गए हैं इस कॉमिक्स को लेके। और इसके अलावा दूसरा विवरण शुरू होता है जिसमें भी आपको काफ़ी सारे पेजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको लिखा है आलोक शर्मा जी ने। तो इन दोनों के विवरण के साथ हमारा स्वर्ण प्रश्न नंबर 10 खत्म होता है और यहाँ शुरू हो जाती है आवरण दीर्घा, जिसमें हमारे पास कर्फ्यू का मुख्य प्रश्न है। उसके बाद कर्फ्यू का ही जो रीप्रिंट के लिए कवर पेज बनाया गया था मनु जी और धीरज वर्मा जी के द्वारा, वो भी यहाँ पे है। तो इसमें एक नहीं दोनों कवर पेजेस को इंक्लूड किया गया है। ये है डोगा का ओरिजिनल कवर पेज और ये है डोगा का मनु और धीरज जी का बनाया गया कवर पेज। मैं हूँ डोगा के साथ भी वही है दोस्तों, ओरिजिनल पेज एंड द उसका सॉरी क्या बोल रहा हूँ एंड उसका रीप्रिंट वाला पेज। अदरक चाचा का फ्रंट ओरिजिनल कवर और रीप्रिंट कवर, मुख पृष्ठ यहाँ पे है गेंडा का और यहाँ पे उसका रीप्रिंट वाला, चोर सिपाही और चोर सिपाही का रीप्रिंट कवर, इंस्पेक्टर चीता का ओरिजिनल और रीप्रिंट कवर, कुत्ता पौच का ओरिजिनल और रीप्रिंट कवर, एंड उसके बाद मुकाबला का ओरिजिनल और रीप्रिंट कवर जिसको सुरेश डिगवाल जी ने बनाया था, बुलडॉग का ओरिजिनल कवर और उसका सुरेश डिगवाल जी का और मालती वर्मा जी का बनाया हुआ रीप्रिंट कवर, हड़ताल का भी इस तरीके से दोस्तों ओरिजिनल रीप्रिंट, डोगा जिंदाबाद का ओरिजिनल रीप्रिंट, बिच्छू का ओरिजिनल ओरिजिनल ही ओरिजिनल चला है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला है रफ लेआउट कि किस तरीके से ये फ्रंट और बैक बनाने की कोशिश की गई थी और किस तरीके से वो फाइनली निकल कर आया था। इसके अलावा कुछ सीन यहाँ पर दिखाए गए हैं हमको जिसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है इन आर्ट वर्क को लेके, क्योंकि ये आर्ट वर्क वो आर्ट वर्क है जिससे डोगा की दोस्तों शुरुआत हुई थी और हर डोगा के फैन के जहन में ये आज भी ऐसे ही बसे हुए हैं। डोगा के कुछ स्पेशल स्पेशल इसमें सीक्वेंसेस लिए गए हैं, एक्सरसाइज सीक्वेंसेस लिए गए हैं जिनको पढ़ के आपको वाकई में मज़ा आएगा और उसके साथ साथ आपको एक कॉमिक से और ज़्यादा कनेक्टिविटी भी फील होगी। यानी कॉमिक्स में अगर आप इनको स्किप कर भी गए हो, ध्यान नहीं भी दे पाए हो, तो यहाँ पे एंड में बहुत सारे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती जाएंगी जो अलग अलग कॉमिक्स से यहाँ पर उठाई गई हैं। इसके अलावा एक और मुकाबला का देखिए पेज यहाँ दिया गया है, फिर उसके अलावा जो ओरिजिनल आर्ट को रीप्रिंट में लाया गया था, रीप्रिंट के लिए जो कवर बनाए गए थे उनके इंक पेजेस यहाँ पे हमको दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो डोगा के हथियार सीरीज का कवर पेज था, जो ऐड था वो भी यहाँ दिया गया है और जो दूसरी भाषाओं में छपी थी उसका भी ऐड यहाँ दिया गया है। डोगा के जो शुरुआती 16 कॉमिक्स प्रिंट हुए थे जो हम कॉमिक्स में काफ़ी पहले देखा करते थे वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो काफ़ी कुछ है दोस्तों, इस वाले को डेथ स्ट्रोक से मिलता जुलता बताते मिलता जुलता कि एक्चुअल में ये वही है, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी था, ओरिजिनल कॉस्ट्यूम यहाँ रिलीज़ नहीं किया गया था और कर्फ्यू का जब एड्स उस समय छपा करते थे कॉमिक्स में तो वो सारे एड्स भी यहाँ शो किए गए हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दो महान शख्सियत राज कॉमिक्स
से जुड़ी हुई एक तरुण कुमार वाही जी जिन्होंने इसकी कहानियों से जीवंत किया, और दूसरे हैं मनु जी जिनकी आर्ट को हम आज भी और कभी भी भुला नहीं सकते, और हम इंतजार में हैं कि राज कॉमिक्स में दोबारा मनु जी की आर्ट देखने को कब मिलेगी, क्योंकि डोगा को अगर किसी ने बनाया है यानी कि डोगा को डोगा के रूप दिया है तो वो मनु जी ही हैं दोस्तों। तो लास्ट में इन दोनों के बारे में बता के भी बहुत अच्छा सा एक काम किया गया है। लास्ट पेज पर मैं आ जाता हूँ तो दोस्तों इसको भी ब्लैंक नहीं छोड़ा गया, इसमें भी सूरज की कसरत करते हुए स्टाइल और डोगा का एक्शन पैक स्टाइल में हमको ये लास्ट पेज देखने को मिला है। तो दोस्तों ये है हमारा संपूर्ण कलेक्टर एडिशन, जिसमें अभी तक एक ही वीक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाती है फ्यूचर में चल के, वो है इसका थोड़ा सा ये बाइंडिंग का निकल जाना, लेकिन पेपर ने इसको भी संभाला हुआ है। इस पेपर को आप कैसे संभालेंगे वो आप मेरे अगले वीडियो में देखिएगा, जिसके लिए आप जरा फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत महंगे आते हैं कलेक्टर एडिशंस, और इनको अगर आप खरीद रहे हैं और वो ख़राब आ ही रहा है तो उसको आपको सेव तो करना ही पड़ेगा। दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ना खरीदें या खरीद के सेव कर लें, क्योंकि अगर वो फटेगा तो फिर बीप। तो दोस्तों ये है, फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये है दोस्तों मनु जी का बनाया हुआ बेहतरीन आर्ट, जिसका स्केच कवर दे दिया गया है, मुझे लग रहा है रैंडमली सिलेक्टेड है ये, तो ये स्केच कवर आ गया, कायदे में होना इसका स्केच चाहिए था बट स्केच मिला है ये रैंडम सिलेक्शन। और इस वाले कवर पेज को रिपीटेशन से रोकते हुए हमें दिखा है मैग्नेट स्ट्रिप, और यहाँ पे ये एक मैग्नेट कार्ड, ये दोनों में सेम पोज वाला डोगा हमें देखने को मिला है दोस्तों, लेकिन स्टिकर के टाइप अलग अलग हैं, ये कटआउट में है और ये पूरा शेप में है। ये मैग्नेट स्ट्रिप है, ये कंप्लीट मैग्नेट है और ये मैग्नेट स्ट्रिप के साथ में है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉवल्टी है वो हमारे पास ये सारे कवर पेजेस हैं, बैक साइड में दोस्तों आप देखिए मुकाबला और इनके एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं, मैं फटाफट से आपको एक बार सारे दिखा देता हूँ नाम ना लेते हुए। मुकाबला और उसका एड, गेंडा, बुलडॉग, हड़ताल, मैं हूँ डोगा, इंस्पेक्टर चीता, ये है डोगा, हमें पता है ये डोगा है लेकिन तब नहीं पता था, चोर सिपाही, कुत्ता फौज, डोगा जिंदाबाद, अदरक चाचा, कर्फ्यू और बिच्छू। तो इन्हीं सब में दोस्तों शुरुआत में इसका ओरिजिनल कवर पेज दिया गया है और एंड में इसका जो एडवर्टीजमेंट आया था वो ऐड देते हुए छोटी सी एक समरी दी गई है। तो ये हैं दोस्तों 13 हमारे पास कार्ड्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी क्वांटिटी में कार्ड्स हो गए हैं, दो मैग्नेट स्टिकर्स हैं और एक ये रैंडमली सेलेक्टेड स्केच कार्ड हमारे पास है, और ये स्लिप केस, और ये हमारी कलेक्टर एडिशन। ओवरऑल मैं इस कलेक्टर एडिशन को देखूँ प्राइस के पार्ट से इसको बिल्कुल अलग करते हुए तो ये कलेक्टर एडिशन बिल्कुल ठीक है। प्राइस के लिए दोस्तों कभी भी हम एकमत नहीं हो सकते, मेरे लिए प्राइस ठीक हो सकता है, आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कोई फैन बोले कह रहे कोई बात नहीं इतना अच्छा कलेक्टर एडिशन है डोगा का 2000 में भी क्या महंगा है। तो दोस्तों प्राइस के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, इसका जो पेपरबैक का वीडियो है वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है ताकि आप पेपर की क्वालिटी को अच्छे से देख सकें। प्राइस को देखिए और फटाफट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में बेल आइकन को दबाने के बाद कि क्या ये प्राइस में ये कलेक्टर एडिशन गुड टू गो है, या फिर आप चाहते हैं कि ये वाले जो कलेक्टर एडिशन है इनके प्राइस में कमी आनी चाहिए या बढ़ोतरी आनी चाहिए, जैसा भी आप चाहें। तो दोस्तों वीडियो हो गया है बहुत लंबा, फटाफट से भागता हूँ, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।